वेलकम टू जीके कैफे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एसएससी सीजीएल 2022 स्ट्रेटजी। इवन यू कैन से इट्स 2023 सीजीएल, राइट? बट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 2022 ही इसको कहा जाता है। बहुत लंबे समय से मुझे कहा जा रहा था कि आप बताइए वीडियो से रिलेटेड कि एसएससी सीजीएल में हम कैसे स्ट्रेटजी रखें 2022 को लेकर। तो इस वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से रेलिवेंट रहेगा, ठीक है? तो प्री एंड प्लस मीन्स इसको लेकर मैं चलूँगा। और देखिए, जो कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ज़रूरी रहते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, इवन जो बच्चे सिलेक्शन ले चुके होते हैं वो उनके थंबनेल अगर आप देखेंगे लिखा होता है 4 महीने में क्लियर हो जाएगा एसएससी सीजीएल, तो ये क्या है कि नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूँगा कि जो आपके सिलेबस के साथ जो भी आपके टॉपिक्स हैं, किन को चीज़ों को पढ़ना है, कौन सा नहीं। मिथ भी क्लियर करूँगा, जो बहुत ज़्यादा मिथ रहते हैं इस एग्ज़ाम्स को लेकर। जो सबसे बड़ा मिथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, कई आप देखेंगे उनके थंबनेल वगैरह में, तो वो चीज़ एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो सभी इस वीडियो में आपको डिस्कस करके मैं बताऊँगा, क्लियर? देखिए, ये है माय एक्सपीरियंस। मैं बोलूँगा तो अपना एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो बिल्कुल इसको लेकर है मेरा एसएससी सीजीएल 2018 का, और उसमें अच्छे मार्क्स भी रहे थे मेरे, और उसी हिसाब से मैं आपको एक तरीके से मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुलेट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस वगैरह या मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा स्ट्रेटजी वो क्या है, वो तो आगे बताएंगे ही, बट इसके बारे में हमको कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि हमको किस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं और उसका लेवल क्या है, और हमको क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी, और क्या मिथ है उनसे पहले ही हमको ध्यान रखना पड़े। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा रहता है टफ कंपटीशन है कि नहीं। तो 100% टफ कंपटीशन इसमें होता है, इसमें कोई भी दो पॉइंट है ही नहीं कि कई लोग बोलते हैं कि एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा कम है या ज़्यादा है। अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एसएससी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उसमें सबसे ऊपर लेवल जिस एग्जाम्स का होता है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100% श्योर रखना है कंपटीशन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मैं मोरल डाउन कर रहा हूँ किसी का, बट ये हमको पॉइंट कुछ क्लियर होने चाहिए अगर हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की जॉब भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। 3 स्टार की अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी रखनी पड़ेगी, क्लियर है? तीसरी बात कर लेते हैं, 4 मंथ्स इनफ, यह हमारे लिए काफ़ी है कि अगर हम 4 मंथ्स तरीके से देखें जो मैंने आपको आगे मेंशन करा था। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं है, 100% समझ लीजिए। 4 मंथ्स हो या 6 मंथ्स, इवन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई लोग आपको बोलते हैं कि 1 साल में हमने क्रैक कराए, हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए आपकी अप्रोच बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ 1 साल एक अच्छा टाइम पीरियड मानता हूँ जिसमें कोई एवरेज एस्पिरेंट्स जिस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है। मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता जो बच्चे बोलते हैं कि 6 मंथ्स में क्वालिफाई कर दिया हम एग्ज़ाम, उनकी 100% पहले से कुछ ना कुछ तैयारी रहती है तभी वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। बट ये कोई भी 100% अगर आप तैयारी करने बैठे हैं आज के टाइम पे और आप सोच रहे हैं 6 महीने में एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एवरेज एस्पिरेंट हैं, अगर आप थोड़े टॉपर टाइप के रहे हैं, या आप IITian रहे हैं या अच्छे लेवल का आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप इजिली इसको 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं, इतना बड़ा टास्क है नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एवरेज एस्पिरेंट्स की, और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट अगर हम बात करें 100% में से, तो 60% जो एस्पिरेंट्स होते हैं एवरेज ही होते हैं। मैं भी खुद अपने आप को एवरेज स्प्रेंट मानता हूँ। 40% ऐसे होते हैं जो अच्छे रैंक लेके निकलते हैं, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है? और इसमें बात कर लेते हैं प्री और मेंस की स्ट्रेटजी, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखनी है हमको, प्री ही हमको टारगेट नहीं रखना, क्योंकि प्री के हिसाब से अगर हम चलते हैं, क्योंकि हमको क्वालिफाई नहीं एग्ज़ाम नहीं करना, हमको सीधे दोनों तरीके से जॉब लेनी है, हमको प्री भी निकालना पड़ेगा, मेंस भी निकालना पड़ेगा। आगे डिस्कस करूँगा जब Tier 3 के बारे में, वो कोई वीडियो में अलग लेकर आऊँगा, वो अप्रोच अलग है उसके लिए। बस आपको इन दोनों के लिए क्या अप्रोच रखनी है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्री और मेंस आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना ही चाहिए कि मैं दोनों ही जो प्री और मेंस दोनों को दिमाग में रख के चलूँ। जैसे UPSC का एग्जांपल होता है, वो भी ऐसे ही रहता है, कई लोग अलग से तैयारी करते हैं प्री की फिर मेंस की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको एक साथ ही लेके चलना पड़ता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो छोटा या बड़ा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी बता दी है। अब मैं इंपॉर्टेंटली सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए सिंपल सा है, सभी जानते होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में। सिलेबस देखिए क्या होता है, इंग्लिश होती है आपकी 50 मार्क्स की, प्री एग्जामिनेशन की बात करो सभी 50-50 मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, और ये आपके होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स हो गया। तो वैसे अगर हम 100 क्वेश्चन होकर पूरा अगर हम बात करें कितने मार्क्स का होता है, तो होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है हमारा सीजीएल प्री का। मेंस की अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए मेंस में अलग हो जाता है, अगर आपका देखें
तो ये हो जाता है 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मैथ्स का, फिर दूसरा हो जाता है पेपर हमारा इंग्लिश का भी 200 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंग्लिश और मैथ्स पूरे अगर हम पूरे पेपर में एनालाइज़ करें तो 250 मार्क्स इंग्लिश कैरी करता है और 250 मार्क्स कौन कैरी करता है, मैथ्स करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा। बाद में बात करेंगे हम किसके बारे में, जीके और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि हमारा अप्रोच मैंने बताया प्री और मेंस को लेकर हम चल रहे हैं, तो उसको हिसाब से हम पहले रखते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स ही रख लिया है। देखिए मैथ्स के तीन जो हम बात करें पिलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, एडवांस और तीसरा होता है डीआई। मैं डीआई को उसको डीआई ना बोल के अगर कैलकुलेशन भी बोलूँ तो कोई अलग पॉइंट नहीं होगा। कैलकुलेशन मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तभी आप डीआई को अच्छा कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स के बारे में। देखिए मैथ्स की क्या है, मैंने बोला है आपको हमको टारगेट रखना है प्री और मेंस के अकॉर्डिंग, तो ये 250 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैं लेके चल रहा हूँ। तो देखिए अगर आपको लेके चलना है 250 मार्क्स तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री के बारे में। प्री में अलग अलग आपकी कंडीशंस होती है और मेंस में अलग हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि मेंस में पेपर बहुत टफ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर लेते हैं जैसे 50 मार्क्स को मैं अलग रख लूँ तो बिल्कुल सेम जो सिलेबस है आपका प्री के एग्जामिनेशन में वो भी मेंस में भी सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि मेंस में अलग हो जाता है, हाँ, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके मेंस में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई नहीं कहेंगे, मार्क्स अच्छे लेने के लिए आपके दो नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब टोटल कितना नंबर का हो गया, ये 200 नंबर का पेपर हो गया। उसमें जितने आप अचीव करेंगे उतना अच्छा होता है। आज के टाइम पर कई बच्चे 200 आउट ऑफ 200 भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको अप्रोच रखनी पड़ेगी हम किस तरीके से पढ़ें। तो पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तीन जो आपके टॉपिक होते हैं, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई। देखिए मैं आपको बोलूँगा अगर हम सीजल को टारगेट कर रहे हैं तो हमको प्री और मेंस तो दोनों देखने ही पड़ेंगे। तो अरिथमेटिक एडवांस ये देखना ही नहीं कि कौन कितना आता है कितना नहीं आता, तो आपको तीनों पे इक्वली बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम आज बात करें अरिथमेटिक का, इसमें कई बार देखा जाता है प्री के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है, बट अगर आप इसके अपोजिट चल जाएंगे तो मेंस में आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा वेटेज एडवांस का हो जाता है। इसका मतलब हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि एडवांस मेंस अगर आपका प्री में नहीं पूछा जाता। बात करें कंपेरिजन की तो ये ज़्यादातर आपके प्री में थोड़ा कम पूछा जाता है। और ये देखिए थोड़ा अलग क्यों हो गया, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा था पेपर, देखे मैंने सीजीएल के अभी 2-3 साल के, खासकर बात करूँ तो 2 साल के, उस 2 साल के पेपर में मैंने देखा है अरिथमेटिक का लेवल वाकई में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2017 के टाइम में, इवन अगर हम बात करें 2017 की, सबसे अच्छा पेपर माना जाता है उस टाइम में पूछा गया था मेंस में, उसमें भी उस टाइम पे आपके एडवांस मैथ्स को ही चेंज किया गया था जो पेपर अलग हो गया था। बट अगर हम बात करें अरिथमेटिक के आज के टाइम पे, उस समय अरिथमेटिक में उसमें भी चेंजेस नहीं हुए थे, बट अगर हम 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात करें तो अरिथमेटिक का लेवल ऊपर हो गया है, क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, और यही हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एडवांस मैथ्स में अगर आपकी थ्योरम वगैरह पकड़ अच्छी है या थोड़ा बहुत भी आपका बैकग्राउंड अगर मैथ्स का रहा है तो आप इजीली कर लेंगे, बट अगर आपकी थोड़ी बहुत भी दिक्कत अरिथमेटिक में हो गई तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब है आपको अरिथमेटिक में आपको काम करना पड़ेगा। करना कैसा, ये चीज़ ध्यान रखिए। पहली चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोचिंग 100% लें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें अगर आप इसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोचिंग ना लें तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि आपको सीजल का एग्जामिनेशन निकालना है, 3-स्टार का एग्जामिनेशन है ये, तो उस हिसाब से आपको जितने अच्छे मार्क्स अगर आप मैथ्स में लाएंगे उतना बर्डन आपका अदर सब्जेक्ट्स में कम हो जाएगा। अब कहाँ से लेना है इसके ऊपर मैंने आपको प्रॉपरली एक वीडियो दी थी, मैंने सारे जो अच्छे टीचर हैं और जो मैथ्स के अच्छे आपको कंटेंट देते हैं, मेरा मानना है सभी को पता भी होंगे एसएससी के एग्जामिनेशंस को जो एक तरीके से तैयारी कराते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे टीचर आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। बट मैंने हमेशा बोला है वीडियो में इसलिए नहीं प्रोवाइड कराता हूँ कोई टीचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी बच्चे को अलग अलग उसकी तैयारी होती है, तो उस हिसाब से टीचर को देख सकता है कि मेरे को किसका समझ में आ रहा था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बट कहने का मेन पॉइंट है कि आपको कोचिंग 100% लेनी ही चाहिए। ये मैं किसी को पेड प्रमोशन है नहीं, किसी को मैं जो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, बट लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद कोचिंग ली थी और कोचिंग के बिना कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये पता चल जाता है किस तरीके से हम करें। अगर आप बोलेंगे यूट्यूब से देख ले, देखिए यूट्यूब से आप 12th लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, 10th लेवल का कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे एसएससी सीजीएल एक अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर हम बात करें यूपीएससी के बाद अगर किसी बात को हम करें जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, तो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें अच्छे स्प्रिंट्स मिलते हैं। इसका मतलब हमको मैथ्स अच्छी रखनी पड़ेगी, क्लियर।
अच्छा, इसके बाद हमने बात कर ली कोचिंग की करनी है आपको, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको रखना कैसे है। अगर हम बात करें देखिए अरिथमेटिक एडवांस और कैलकुलेशन, तो सबसे पहले आपको समझना कैसे, अगर आपने कुछ भी कोचिंग ले ली कहीं से भी आप कर रहे हैं, सिलेबस मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है मेरी, तो वो आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगा। अगर आप कोचिंग लेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, नहीं तो मेरी आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी, कई लोगों ने उसको देखा, लगभग 70,000 बच्चों ने देखा उस वीडियो को, आप सर्च कर लीजिएगा मैथ्स स्ट्रेटेजी बाय जीके कैफे। बट जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए पेपर का पैटर्न आज के टाइम पे चेंज हो गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट अगर आप पेपर देखेंगे, जैसे मैंने कई पेपर देखे तो कुछ क्वेश्चन सीडीएस के भी उठाए गए थे, और सीडीएस का जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसका लेवल वाइज का अच्छा होता है, बहुत कंपैरिजन अगर हम बात करें सीजीएल का, कुछ समय पहले हुआ करता था बट आज के टाइम पे इन दोनों की मैथ्स इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब आपको लेटेस्ट क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, और आप अगर देखेंगे लास्ट 5-6 साल के पेपर से कंपेयर करेंगे इसको, तो इसमें अरिथमेटिक में बदलाव देखने को मिला है। अरिथमेटिक में क्या बदलाव देखने को मिला है, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए। पहले क्या हुआ करता था, पेपर एक ही टाइप के कुछ टाइप डिसाइड कर दिए गए थे, बहुत बड़े टीचरों के नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा, जितने भी बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे उन्होंने टाइप मेंशन कर दिए थे। क्या हुआ करता था, डिजिट में चेंजेस हो जाते थे, बस लैंग्वेज वही रहती थी, सभी रट्टा मार के चले जाते थे, वही कर आ जाते थे। ये 2016 तक मैं बता रहा हूँ, बट अभी हाल ही में देखेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। एक दो क्वेश्चन मैं अलग बात कर दूँ, 25 में से मान के चलिए खींच खाच के 10 क्वेश्चन ऐसे आपको 100% पूछे जाएंगे, जो अलग ही तरीके के होते हैं, जिसके लिए अगर आपको बेसिक आपकी अच्छी है बहुत मैथ्स, या आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे, बट 2015-16 के टाइम पे अलग हुआ करता था, एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते थे, और उसी को बच्चा जो जितना रिवाइज कर लेता था, क्योंकि जितना रिवाइज कर लेते जितना रट्टा मार लेते थे उन टाइप्स को, वो वैसे ही आते थे, डिजिट चेंज हो जाती थी और डायरेक्टली कर लेते थे। बट आज के टाइम पे अप्रोच थोड़ी अलग हो गई है, तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। तो मैंने आपको बता दिया अरिथमेटिक कहाँ से करनी है, एडवांस कहाँ से करनी है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, टीचर बहुत सारे हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो है आपके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है कि बुक्स कैसे करें। किसी भी टीचर का आपने कोर्स लिया, उसके बाद आप ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, अपनी बुक्स को रिलीज़ कर देते हैं, आप उससे बोलते हैं आप लगा लीजिए, वो भी बुक अच्छी रहेंगी, जो भी अच्छा टीचर अपना कंटेंट देते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आपके पास एक प्रीवियस ईयर की 100% बुक होनी ही चाहिए, वो कोई भी पब्लिकेशन की हो, बट एक पब्लिकेशन की बिल्कुल ना ले जिसका नाम होता है किरण पब्लिकेशन की। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हर बच्चे का कॉन्सेप्ट हर समय से मैं मानता हूँ कि तैयारी अच्छी हो जाती है, बट अगर वो कितना भी अच्छा ब्रिलियंट हो, उसको किसी भी सेट पेपर को लगा रहा है या किसी भी चैप्टर को लगा रहा है, और चैप्टर कितना भी अच्छा हो, अगर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता तो हमें ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन फंसते हैं। उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, और सॉल्यूशन इस बुक के अंदर आपको अच्छा नहीं मिलता है किरण पब्लिकेशन की बुक में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको नहीं लेना। और कोई भी आपको जो अच्छे टीचर या अच्छी बुक्स मिलती है वहाँ पे कर लीजिएगा, अगर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी पकड़ है तो आप इसको ले सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर से ज़रूर लीजिए। और आपको कोई ज़रूरत नहीं 1999 से लगाने के लिए, आज के टाइम पे देखेंगे 1999 से लेके 2022 तक ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली आपको पिछले मैक्सिमम बोल रहा हूँ 10 साल, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। और जितना मैं बोलूँ आपको 2016 के बाद के पेपर को उठाइएगा, बहुत पेपर हो जाते हैं, और सारे पेपर उठाने, चाहे वो CPA में मैथ्स पूछी गई हो, चाहे आपके MTS में पूछी गई हो, MTS में भी अच्छी पूछी जाती है, आपके CHSL में पूछी गई हो, जहाँ भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेंस प्लस प्री आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और मेंस में कुछ भी नया नहीं है, अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं, और एक थोड़ा बहुत लेवल अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 80 क्वेश्चन आपके वही रहते जो आपके प्री के लेवल के रहते हैं, 20 क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन को नीचे कर देता। अगर ये 20 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं आप, ये कि इतने हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स के, यहीं पर जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है वो सिलेक्शन के आगे बढ़ जाता है, और जो बच्चा बिल्कुल एक ही तरीके से चल रहा है उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो मेरा मानना है कि आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। हाँ बट ठीक, याद रखिएगा अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो जब आपका प्री के एग्जामिनेशन आ रहा है, मैंने बोला तैयारी आपको प्री और मेंस को साथ को लेकर चलना है, बट मैं बोलूँगा प्री को अगर आपके सामने एग्जामिनेशन है तो उसकी ही एक तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए, ना लगाए कि आप 100 मार्क्स का लगा के आ रहे हैं, सॉरी 200 मार्क्स का लगा रहे हैं जैसे मेंस में पूछा जाता है। आपको ये बताए कि आपका पेपर आपके सामने पहले 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो उसी तरीके से पहले प्री का लगाइएगा, फिर बाद में लगाइएगा पूरे मेंस लेवल का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कई लोग गलतियाँ करते हैं कि मेंस का पेपर को रखते हैं कि आइडेंटिफाई कि मेंस के लेवल के हिसाब से हम तैयारी करें तो 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट लगाएं, वो ना लगाएं, पहले
50 मार्क्स का लगाइएगा, 50 क्वेश्चंस का जो मार्क्स का है ये, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। पहले इसका टारगेट लगाना है कि 25 क्वेश्चन कितने कम टाइम में हम निकाल लें, क्योंकि अगर आपके प्री में मार्क्स अच्छे हैं तभी आप उसको अच्छा कर पाएंगे। क्लियर, ये मैथ्स का मैंने हिसाब से समझा दिया जितना मैथ्स में आपको करना चाहिए। बुक्स मैंने इसलिए आपको बोला ओनली प्रीवियसर्स करनी है आपको, और मैंने आपको बोला कोचिंग 100% लीजिएगा। नहीं ले सकते तो फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, मैंने आपको बता रखा है, उनका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा सारा उनके यूट्यूब चैनल पर, चाहे आपके अभिनय मैथ्स हो या आपके राकेश यादव सर हो, उन सभी का आपको उनकी वीडियोस आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी, उसको करके कर सकते हैं। बट अगर मेरे हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले अफोर्ड करिए और उस हिसाब से उसको करना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। बात कर लेते हैं सेकेंड इंग्लिश। देखिए मैंने इंग्लिश में आपको बोला है ये भी 250 मार्क्स कैरी करता है, जो आपके प्री में 50 मार्क्स कैरी करता है, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपके मेंस में 200, जिसको कहते हैं 200 मार्क्स ये कैरी करता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। अब देखिए ज़रूरी क्या चीज़ है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे प्री और मेंस के हिसाब से तैयारी मैंने बोला एक ही तरीके से रखनी है और इसमें कोई नई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। पहली चीज़ इसमें इंक्लूड कर दूं मैं, सबसे पहली जो ज़रूरी है, कई लोग इसको ध्यान नहीं देते, आपको इसमें कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचर मतलब आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं, टीचर तो आप ज़रूर एक तरीके से मैं रिकमेंड भी कर दूंगा आपको यहाँ पे, बट आपको कोई भी इसमें कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सबसे पहली बात बता रहा हूँ। अगर हाँ आप एफर्ट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ले लीजिएगा, बट मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता इसको, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसको खुद भी किया जा सकता है, और मैंने खुद कोचिंग ली थी इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत फेमस टीचर थे, मैं नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, बट मुझे उसका कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं बोलूँगा कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है खुद भी कर सकते हैं, उसको मैं आगे बताऊँगा डिस्कस करके कैसे। देखिए प्री के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन जब भी आ रहा है, मैंने आपको बोला प्री और मेंस साथ में लेके चलना है, जब प्री का एग्जामिनेशन आपके सामने आ जाता है तब आपको क्या करना है, प्री के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपको वक्स पे वर्क करना है मेरे हिसाब से अगर आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में डिफरेंस लगभग 2 से 2.5 महीने का होता है मिनिमम, मैं आपको बात करूँ तो 2 मंथ्स का होता है, वैसे 3 महीने 4 महीने में भी चल जाता है अगर हम इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखें एसएससी के, तो ये समझ लीजिए आपको तीनों तो लेके चलनी है, बट प्री के एग्जामिनेशन में अलग इसका थोड़ा वेटेज हो जाता है। प्री के एग्जामिनेशन में 70% अगर मैं बोलूँ तो आपका वक्स आता है, यहाँ पर आपका अगर हम बात करें ग्रामर का थोड़ा कम परसेंट होता है, और ये आप सभी जानते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं जो 10 मार्क्स हो जाते हैं, यहाँ पर ये हो जाते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर एग्जैक्टली मैं ओवरऑल बताऊं आपको तो वकीअप्स आपकी 70% कैरी करती है प्री के एग्जामिनेशंस में। अब देखिए ये तो मैंने आपको प्री का बता दिया, मेंस में क्या होता है, मेंस में इसका अपोजिट हो जाता है, मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो जाता है, आपका रीडिंग पार्ट का हो जाता है, अगर आपने मेंस के टेस्ट पेपर लगाए होंगे मॉक टेस्ट, और वकीअप का थोड़ा कम पोर्शन हो जाता है। बट मैंने आपको कई बार बताया है वकीअप्स डायरेक्टली लिंक कैसे करती है रीडिंग पार्ट से, अगर आपकी जितनी वकीअप अच्छी होती है आप रीडिंग अच्छी कर लेंगे, मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी एक सेंटेंस रख दिया जाता है, अगर उसमें कोई एक दो वर्ड ऐसे वकीअप्स के रख दिए जाए तो आप अच्छे वर्ड्स रख दिए जाए तो आप उसका मीनिंग नहीं बता पाएंगे, तो कहने का मतलब दोनों का लिंक इसी में आपस में होता है। ओवरऑल देखिए तो ग्रामर का वेटेज ज़्यादा ना तो प्री में होता है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, हाँ थोड़ा मेंस में इसका थोड़ा बहुत बढ़ जाता बट इतना नहीं होता। दो मेन जो आपका रोल प्ले करते हैं वो होते हैं रीडिंग और वकीअप्स, ठीक है। ग्रामर आपका मेंस में थोड़ा बढ़ जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्री में इसका इतना वेटेज नहीं होता है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके 25 में से ग्रामर के पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दें। अब देखिए करना कैसे, मैंने आपको बोला कोचिंग नहीं करनी तो करना कैसे, देखिए मैंने खुद करा था, देखिए मैं हिंदी मीडियम कर रहा हूँ और ज़्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें एक एडवांटेज पॉइंट मिलता है, और 100% है, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो इजीली इसको कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ी होती है और मेरे हिसाब से रीडिंग पार्ट उनका अच्छा होता है। बट जितना मैंने कोचिंग ली और जितना मैंने बच्चों को देखा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले इतने भी ज़्यादा एज में नहीं रहते जितना आप सोचेंगे कि उनको ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वालों का रीडिंग पार्ट थोड़ा बहुत वीक होता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से वो बात तो है कि उनको हैबिट है पढ़ने की, बट वकीअप्स उनका पोर्शन वीक होता है, तो उनको भी वकीअप करना पड़ता है, क्योंकि नई वकीअप आपको पढ़ना है थोड़ी एडवांस लेवल की, तो वो इसके लिए उनको अलग से पढ़ना पड़ता है। ग्रामर आपको भी करना है और रीडिंग उनको भी करना है, बस रीडिंग में थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज होता है, ये चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग इसको लेके सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम का था और मेरा बहुत ही वीक था इंग्लिश, अगर मैं बात करूँ मेरा 12th लेवल में 10th लेवल में बहुत ज़्यादा वीक था, मैंने वीडियो भी दी थी, कई लोगों ने उसको देखा, लगभग 35,000 बच्चों ने उसको देखा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था। उसी तरीके से मैंने अप्रोच रखी थी, उसी तरीके से आप रखिएगा, कैसे रखनी है मैं बता देता हूँ। पहली बात देखिए वकीअप्स के लिए एग्जैक्टली आपको 3 से 4 महीने आपको देने ही पड़े अलग से, 3-4 महीने, इसके बिना आपकी वकीअप अच्छी नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, मैंने आपको पहले ही बताया था सभी को वकीअप्स पढ़नी पड़ती है। अब कैसे करनी है इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए कई मैंने अपने टाइम पे तो एससी हार्डविक पढ़ी थी, आप उसको भी ले सकते हैं, आज के टाइम पे सारे मार्केट में नहीं है, आपके सामने और भी बुक्स आती है उसको कर लीजिएगा, अगर मैं बात करूँ वकीअप्स के लिए।
आपको क्या करना है, ओनली प्रीवियस सर्च करनी है। कई लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर को उठा के उसी को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि देखिए उसमें मैंने आपको बोला है आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली वकैब्स करनी है जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से करें, सबसे बेस्ट सोर्स आपका प्रीवियस सर्च ही होता है, और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि अगर आप कितने साल का कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम आप 10 साल लेके चले, बट मैं बोलता हूँ 5 साल आपके लिए सफिशिएंट होते हैं अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं। तो वोकैबुलरी आपको प्रीवियस सर्च की करनी है, उसके लिए बुक आपको कौन सी मिल जाएगी, आपको MB पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी, इसको ज़रूर ले लीजिएगा। ये अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास होनी ही ज़रूरी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी मीडियम मैंने आपको बता दिया, को सब एक मिथ है अपने दिमाग में रखने की कि हिंदी मीडियम से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, ये कोई भी बात नहीं है। मैंने आपको खुद बताया है कि मेरी खुद वकैब्स बहुत वीक थी, रीडिंग पार्ट तो मेरा इससे भी बहुत बेकार था, लगभग मैंने खुद वकैब्स पे 7 to 8 thousand अगर बात करूँ अप्रोक्स एग्जैक्टली मैंने गिना तो नहीं कभी, इतनी वकैब्स मैंने याद करी थी, और ये वीक बहुत हुआ करता था बच्चों का, और यही मेरा वीक जो था इसको मैंने मजबूत करा, इससे मेरे को दिक्कत नहीं हुई। रीडिंग पार्ट भी मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊँगा। तो ये कैसे करनी है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिएगा, MBA पब्लिकेशन की बुक आती है वो बहुत अच्छी रहती है, मोर देन सफिशिएंट रहती है उसको करने के लिए। नहीं तो आपने आपको बस ये देखना प्रीवियस सर्च की कंपाइलेशन किसके अंदर दे रखा है, वकैब्स का वो करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं, फिर आइकोर होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, MBA पब्लिकेशन की बुक में। EDMs आते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं ये खुद ही कर लेंगे आप, इसमें कोई बड़ी दिक्कत होती नहीं। देखिए मैंने आपको 6 hours की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक 6 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको, आपको वकैब्स लर्निंग के लिए कैसे आपको याद करना है वकैब्स, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने भी एक ईबुक बनाई थी, बट वो मैंने CGL प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, इसलिए मैं कभी किसी को गलत प्रमोट नहीं करता। अगर आप प्री के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वकैब्स का। मेंस लेवल तक वो नहीं है, क्योंकि मेंस में थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, प्री के हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा, ओनली उसमें प्रीवियस ईयर ही है, बट मैं आपको बोलूँगा उसके साथ एक बुक ज़रूर रखिएगा अगर आपको तैयारी करनी है तो, ठीक है। तो वकैब्स आपको कहाँ से करनी है, MBA पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है उसको कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए ग्रामर क्या है, देखिए मैंने आपको बताया वकैब्स में आपको कोई टीचर हेल्प नहीं करेगा, खुद ही याद करनी पड़ेगी, इसलिए आपको कोई यहाँ पर टीचर की ज़रूरत है नहीं, पहली क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात कर लेते हैं ग्रामर के लिए, देखिए ग्रामर के लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ खुद ही करें, इसी के लिए कोचिंग लेते हैं बच्चे ओनली, और मैंने खुद भी ग्रामर के ही ली थी क्योंकि मुझे ग्रामर में दिक्कत आती थी, बट मेरे को कोचिंग लेने का उसका नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिला। क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या होता है, चाहे आप ऑनलाइन लेंगे चाहे ऑफलाइन लेंगे, हर जगह अगर आप ग्रामर के लिए कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एक बहुत बड़े नाम चीन जो आज के टाइम पे SSC की पढ़ाते हैं इंग्लिश को, मैं नाम किसी टीचर का मेंशन नहीं करता, बट उनकी क्लास में जब क्लास लेता था तो आधे ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होता था। हमें ग्रामर उन्होंने लगभग 4 महीने में कंप्लीट कराई, जो 4 महीने कोई तरीके से था ही नहीं, और पढ़ाना क्या है कोई भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बुक से ही वो चीज़ बताई जाती है। तो आपके लिए एक ही बुक मैं बोलता हूँ अगर आपको ग्रामर पकड़नी है, Plane 2 पैरामोंटी सबसे अच्छी बुक मानता हूँ मैं, और ये नीतू सिंह मैम जो है उन्होंने ही अपनी तरीके से इसको प्रोवाइड करा, अपनी अच्छी लैंग्वेज में दे रखा है। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसको ले सकते हैं। SP बक्सी भी आती है, बट मैं बोलता हूँ इसी को करें, Plane 2 पैरामाउंट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने। दूसरा जो मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे ग्रामर में, मेरे जो एक तरीके से मिसलेनियस फॉर्म में आते थे मुझे दिक्कत होती थी, तो मैंने उसके लिए क्या करा फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर लगाई थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, इस बुक को मेरे हिसाब से हर किसी बच्चे के पास होगी, उसको ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर को। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए पहले Plane 2 पैरामाउंट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। यही मुझे मेन प्रॉब्लम होती थी, जब मिसलेनियस फॉर्म में आ जाते थे वो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाता था। तो ये मैंने आपको बता दी ग्रामर के लिए आपको कैसे अप्रोच रखनी है, यही रखनी पड़ेगी, और कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो आपके जो बेस्ट टीचर है जैसे नीतू सिंह मैम है, इनके भी आपको चैनल मिल जाएगा, इनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे आपके गोपाल वर्मा भी मैं बोल सकता हूँ एक टीचर अच्छे हैं, उनके भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कुछ ऐसे टीचर हैं इंग्लिश में, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है बोरिंग है, उसके लिए थोड़ा वो एंटरटेनमेंट करने के लिए ज़्यादा मजाक करने लग जाते हैं, जिसके कारण वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेगा पढ़ने को कंटेंट कम मिलता है और ज़्यादा हंसी मजाक ज़्यादा चीज़ मिलती है। तो उसको करने के इसलिए मैं बोलता हूँ कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है रीडिंग पार्ट, देखिए बस ग्रामर के लिए मैंने बताया कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तीसरा हो जाता है रीडिंग पार्ट। देखिए रीडिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो रीडिंग पार्ट में भी आपको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं, कोई टीचर आपको ये थोड़ी बताएगा कि आपको ऐसा पढ़ना है, उसके लिए आपको खुद हैबिट डालनी पड़ेगी। मेरी भी रीडिंग पार्ट बहुत कमज़ोर था, तो देखिए आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर रखना है, बट मैं आपको बोलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस रखिए, ये सबसे अच्छा न्यूज़पेपर मानता हूँ मैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, खासकर CGL की, कई लोग हिंदू भी यूज़ करते हैं द हिंदू, इसको ना करें मैं आपको बोर्ड पर्सनली बोलूँ, क्योंकि इसको UPSC लेवल वाले बच्चे ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की इसमें वकैब्स पूछी जाती है जो हमारे लेवल के लिए हिसाब से रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो इंडियन एक्सप्रेस करना है, ये अच्छा सब्जेक्ट माना जा सकता है, सॉरी न्यूज़पेपर माना जा सकता है, इसको कर लीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग के दो महीने में बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बोलूँ तो एक महीने में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। ठीक है, पहली बात तो आपको पहली बात समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में ज़्यादा क्लियर आपको पॉइंट नहीं रहेंगे, बट अगर आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, दो तीन महीने अगर आपको आदत हो जाएगी, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। तो इसके लिए बोलूँगा एक महीने कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, डेली पढ़ना है, और डेली आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, वो है एडिटोरियल पार्ट, एडिटोरियल पार्ट ये पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर में ज़्यादातर, जैसे जिनको इंटरेस्ट है, जैसे बॉलीवुड वगैरह की न्यूज़ पढ़ने लग गए, या अगर आप पढ़े जैसे क्रिकेट वगैरह के पढ़ने लग गए, तो उसमें क्या होता है कुछ ऐसी ईडियम्स या ऐसे कई आपके फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है नहीं, और वो हमारे को समझ में नहीं आता, हम क्या करते हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम इसे हमारे एग्ज़ाम में क्या बदला पूछा जाए। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल पार्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो एक तरीके से राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, और वही हमारे एग्ज़ाम में जैसे कहा जाता है औपचारिक भाषा वो यूज़ की जाती है, तो उसी तरीके के पैसेज आते हैं, तो वो बस पढ़ना है हमको, हमको डेली हैबिट लगानी है। इससे फ़ायदा होगा, एक तो वकैब हमारी रिपीटेशन में आ जाएगी, रिवीजन में आ जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा एडिटोरियल पार्ट पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तीन महीने में आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता था मुझे पहले समझ में नहीं आता था लाइनों में चल क्या रहा है, कुछ है एक दो लाइन तो एकदम दिमाग से निकल जाती थी, बट जब जैसे आदत लगी तो समझ में आने लग गया कि पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट मैंने बता दिया। इसके लिए आपको दो बुक रखनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर ग्रामर के लिए और प्लेन टू पैरामाउंट। पहले आपको प्रैक्टिस आपको पहले उसको पढ़ना है कॉन्सेप्ट को, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। वकैब्स के लिए मैंने आपको बोला एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, वो है MBE पब्लिकेशन, यही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी बस। और रीडिंग के लिए मैंने बोल दिया इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, इसके ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के लिए आपको और बुक्स लेने की ज़रूरत है, मेरा हमेशा मानना है कि एक ही बुक्स पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, वो हमारे लिए ज़्यादातर बेनिफिट देती है हमको। क्लियर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीके के लिए। देखिए जीके कहाँ पर आपका काम करता है, बस ओनली ये करता है आपका प्री के एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इसको रखा है तीसरे नंबर पे। अगर वैसे मैं प्री के एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम पे रखता था, उसको मैं पहले नंबर पे रखता, बट मैंने आपको बोला है हमको एग्ज़ाम निकालना है, क्लियर, एक तरीके से क्वालिफाई नहीं करना, तो प्री में इसका ज़्यादा वैल्यू होता है। क्यों होता है, देखिए कई बच्चे क्या होते हैं डबल AO की तैयारी करते हैं, ठीक है, डबल AO मतलब क्योंकि अच्छी पोस्ट है, सबसे अच्छा ग्रेड पर भी माना जाता है, एक अच्छी जॉब है। इसमें क्या होता है आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी कट ऑफ प्री में बहुत ऊपर चले जाती है। अगर आप देखेंगे मेरा मानना है, जितना मैंने दो तीन साल से देख रहा हूँ, 20 मार्क्स तो ऊपर रहती है आपके नॉर्मली, जो आपकी कट ऑफ जाती है सीजल की, जैसे अदर पोस्ट की है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह और एक्साइज वगैरह को छोड़ के डबल AO की पोस्ट 20 मार्क्स आगे निकलती है प्री के एग्जामिनेशन में। इसका मतलब हमको टारगेट रखना पड़ेगा इससे ऊपर ही, जैसे अगर आप मान के चलिए आपकी 144 जारी है UR में, मैं UR के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आप जितना देखेंगे तो ये आपकी UR में डबल AO की चल जाती है 164, तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बन जाता है GK। और आप समझ सकते हैं बच्चे, बहुत बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब उन बच्चों की GK अच्छी है, तभी तो ला रहे हैं इतने मार्क्स। अगर आप मान के चलिए आपके पेपर में 150 मार्क्स अगर मान के चलता हो, रीजनिंग में आपके 50 आ रहे हैं, मैथ्स में भी आपके 50 आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आपके 50 आ रहे हैं, 150 मार्क्स लेकर आ गए, फिर भी आपको 20-22 नंबर तो लाने ही होंगे, अगर आपकी एवरेज है फिर भी आपको लाने ही पड़ेंगे ना उसके लिए। तो ये मेन मतलब है कि आपको आज के टाइम पे बच्चे GK में मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको GK में अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। एक टाइम हुआ करता था 2015 के टाइम से, जब मैंने खुद बता रहा हूँ, मेरे टीचर जो थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था उनका, उनके प्री में उन्होंने जब मैंने खुद उनके आंसर की देखी थी, तो उस समय उनके 50 मार्क्स का हुआ करता था, एक एक क्वेश्चन आते थे, तो उनके खुद मैं बता रहा हूँ आपको 7 से 8 मार्क्स थे उनके। उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं करी थी GK की, क्योंकि उस समय नहीं की जाती थी, उतनी कट ऑफ नहीं जाती थी उस समय 2015 के टाइम पे, जब प्री की आपकी गई थी UR की कट ऑफ 2015 की बता रहा हूँ, UR की आपकी 102 गई थी। अब आप उसी के अगले साल आप देखते हैं तो 2016 में 137.5 चली गई थी UR की कट ऑफ। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि कट ऑफ कहाँ जा रही है, बच्चे अब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, और GK में बच्चे मार्क्स अच्छे गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अप्रोच बता दी क्या है कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, अगर आप चाहे AO की तैयारी करें या नहीं। और देखिए अगर आप प्री के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो GK इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम जितने मार्क्स यहाँ पर लेके चलेंगे उतना ही हमको बोनस मिलेगा एक तरीके से आने वाले जो हमारे मेंस में, उतना हमारा बर्डन कम हो जाएगा। मान के चलिए आप क्वालिफाई करके ही निकल रहे हैं, एक तरीके से आपकी कट ऑफ बन रही है 140 और आप एकदम 142 लेकर आ रहे हैं, एकदम पास में बैठे हुए, तो मेंस में ज़्यादा बर्डन बन जाता है और उससे मेंस में बाहर होने के भी चांसेस हो जाते हैं कि आप बाहर भी हो सकते हैं। क्लियर,
तो चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे रखनी है आपको। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आपका कौन सा हो जाता है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, हाँ इसके ऊपर मैं प्रॉपरली यहाँ पर वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा जीके की स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, आप चैनल पर देख लीजिएगा, मेरे 600,000 बच्चों ने उसको देखा है, ठीक है, और बहुत डिटेल में बताई थी, क्योंकि मेरे खुद इतने मार्क्स आए थे सीजल के और सीएचएसएल में, 3-4 बार ही मेरे मार्क्स रहे हैं, और सीजल 17 के टाइम पे भी इतने रहे थे 50 में से ये 41.5। तो ये मेरे हिसाब से उस वीडियो को बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, तो उसको जो देख लीजिएगा। अप्रोच कोई भी चेंज नहीं है आज के टाइम पर, वो उस समय भी हुआ करती थी और आज भी, लगभग 2-3 साल पुरानी वीडियो है, 3 साल तो नहीं बोलेंगे, लगभग 1-1.5 साल पुरानी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं इसमें जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि आपको जीके में क्या रखना है। करंट अफेयर देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, जब से हमारा एग्जामिनेशन टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है, 2017 से लिया जा रहा है इनके द्वारा, तब से करंट अफेयर बहुत पूछी जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं बैंक का, तो बैंक के अकॉर्डिंग करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए करंट अफेयर यहाँ पर ज़्यादा आती है। कैसे रखनी है इसकी अप्रोच, देखिए करंट अफेयर मैं वैसे हमेशा बोलता था कि 6 मंथ्स करके चलिए, और आज के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करता है, 6 मंथ्स की करंट अफेयर पूछी जाती है, बट 2-3 साल के पेपर अगर मैं बात करूँ, 2019 और 2020 के पेपर में, उस समय क्या हुआ था, 1 साल की करंट अफेयर पूछी गई थी। फिर कई लोगों ने बोला कि आपने गलत बताया कि 6 महीने करके जाइए, ये बात अलग है कि अगर मान के चलिए वहाँ पर 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, तो उसमें से देखने को मिला था 5 क्वेश्चन आपके लास्ट 6 मंथ्स के ही थे, बट उससे 6 महीने पहले के, मतलब 1 साल पहले की बात करें हम, वहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, तो ये इस कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको चलना है, अगर जैसे भी कुछ कंडीशंस बदल जाती है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, तो आप उसी तरीके से अपने आपको बदल लीजिए। तो अगर 1 साल की करंट अफेयर पूछ रहा है तो वैसे ही करिए, बट एग्जामिनेशन से जब आपका पहला होने वाला है, उसके 6 महीने पहले ही करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखना है, और उससे पहले की एक तरीके से उसमें थोड़ा कम रखें। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, बट थोड़ा रेशो वाइज कम पूछे जाते, तो ये आपको करंट अफेयर के लिए रखना पड़ेगा। कहाँ से करना है, कैसे करना है, कई लोग बोले थे आप अपनी वीडियो दे दीजिए, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको डेली करंट अफेयर दूँ या मंथली दूँ, उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और मैंने कोशिश करी थी बीच में, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, आगे कभी सोचूंगा मैं, बट मैंने बता रखा आपको बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं चैनल्स, उनको देख लीजिएगा, 2-3 चैनल देखिए, अपने आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कौन रेलेवेंट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। बट मैं बोलूँगा इसको सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि इसका वेटेज आज के टाइम पे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 25 में से आपके, ठीक है, इसलिए करंट अफेयर को पहले नंबर पे रखें, राइट। सेकंड नंबर पे आ जाता है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके को इसलिए ज़्यादा ऊपर रखता हूँ मैं, कई बार क्या होता है स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी जाती है करंट अफेयर के कंपैरिजन, कई बार क्या होता है 6 से 7 क्वेश्चन, एक बार आपके सीएचएसएल 2018 में इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे 25 में से, तो आप समझ सकते हैं वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है, बट वैसे बोलूँ तो करंट अफेयर ऊपर रहता है। स्टैटिक जीके कहाँ से करना है ज़्यादा मैं आपको बताता नहीं, हमेशा मैंने आपको बता रखा है, ई बुक ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है नहीं, मेरी ई बुक है, मैंने खुद बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बहुत बता रखा है, जितने मेरे एग्जाम्स चैनल से जुड़े हैं सभी ने इस ई बुक को ले रखा है, बहुत लोगों ने इसको पसंद भी करा था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। फिर मैं आपको जल्दी से बता दूं, देखिए वो डिटेल फॉर्म में दे रखी है, एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं दी, मैंने आपको कई बार बोला है, अब एमसीक्यूज टाइप का जो ज़माना था वो चले गया, जैसे वन लाइनर हम याद करके चले जाते थे, वो नहीं आता आज के टाइम पे, आज के टाइम में बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा प्रीवियस ईयर्स के लिए एक ही बुक रेकमेंड करता हूँ, वो कहता हूँ घटना चक्र। घटना चक्र में इसलिए कहता हूँ क्योंकि घटना चक्र में बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी है, जैसे अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उससे रिलेटेड कई चीज़ें एक बॉक्स में बना के दे दी जाती है कि आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट ना करके उसी से रिलेवेंट, अगर उसी से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली जाती है तो आपको अगर पता है उसके बारे में तो आप इजीली कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैंने आपको कई बार बताया था भारत रत्न से रिलेटेड कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से, हमने याद कर लिया रट्टा मार के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बट उस बुक के अंदर आपको ऐसे बॉक्स के अंदर मिल जाएगा कि भारत रत्न की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, अब मान के चले आपके एग्जाम में आ जाता है भारत रत्न की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और आपने रट्टा मार रखा पहले किसको मिला था, तो इन चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ई बुक इसलिए प्रोवाइड कराई थी कि आपको समझ में आ जाए, और उसके अंदर एमसीक्यू फॉर्म में पहली बात नहीं है, डिटेल में दे रखा है, और प्लस मैंने अपडेट करके आपको प्रीवियस के क्वेश्चन डाले हैं उसके अंदर, कोशिश करूंगा जो भी रिसेंट के सीजीएल के पेपर हुए थे वो भी इंक्लूड कर दूं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, इसलिए मैं आपको हाल ही में सोच रहा था 2-3 पेपर इकट्ठे हो जाए तो उन सभी को इकट्ठा करके ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, इससे कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं मोर देन सफिशियंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी चीज़ मोर देन सफिशियंट नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अलग से पढ़ना ही पड़ता है, बट मैंने आपको बोला है उसके लिए मैंने आपको 6 आवर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की बड़ी बड़ी वीडियोज़ दे रखी है, खासकर मैंने स्टैटिक जीके की दी थी, कैसे मैंने आपको कंटेंट दे रखा, कैसे
आपको पढ़ना स्टार्टिंग से, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि लगभग 200,000 बच्चों ने उसको देखा था, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना कैसे। और उसमें ई बुक से थोड़ा अलग चीज़ भी है कंटेंट, अगर आप ई बुक ले लेते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, राइट। तो स्टैटिक जीके लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ई बुक दे रखी है, वीडियो प्लस ई बुक पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। जैसे इस बार के सीजीएल में कई लोगों ने मुझे बोला था कि काफ़ी क्वेश्चन आए, सीजीएसएल में बहुत क्वेश्चन आए थे, और कई लोग तो डायरेक्टली कह रहे थे कि वीडियोज़ में से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, तो उसको कर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा। ई बुक मेरी देखिए आज तक 2 और 3 है, ठीक है। पहला स्टैटिक जीके, दूसरा हिस्ट्री, इसमें मैंने वैसे डिटेल में आपको दे रखा है क्योंकि डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसके अंदर मैंने साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन करके दे रखा है जिससे आपको 2 बुक पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्या करते हैं हम, पहले बुक पढ़ते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हमको प्रीवियस ईयर पे जाना पड़ता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया जा रहा है, यही दिक्कत हमको हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हमेशा से बोला है 2 बुक की जगह आप कोशिश करें 1 ही बुक पढ़ें, तो इसलिए मैंने ई बुक आपको दी थी। तो आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और वोकैब अगर आपको करनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा इन तीनों ई बुक को लेके, ठीक है। वेटेज वाइज मैंने आपको बता रखा, पहले नंबर वेटेज इसका है, दूसरे नंबर पे इसका है, तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको बोलता हूँ, देखिए इसका वास्ट सिलेबस नहीं होता बिल्कुल भी और सब्जेक्ट के कंपेरिजन, और इससे 2 क्वेश्चन पक्के आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको कैसे करना है पॉलिटी को, मैंने बोला था पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके टॉपिक जो आपके सारे जो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको 1 ही बुक रखनी है, वो है घटना चक्र। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप किरण पब्लिकेशन के भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा कंसेप्ट देते हैं, उनका भी बहुत अच्छा है एक तरीके से अगर बुक बोले तो। बट मैंने आपको बोला यहाँ पर 1 लाइनर देते हैं, सबसे मेन यही प्रॉब्लम लगती है मुझे किरण पब्लिकेशन में कि बहुत डिटेल में नहीं देते किसी चीज़ के बारे में, और घटना चक्र में डिटेल में दिया होता है तो ये ज़्यादा एक तरीके से अच्छा होता है। बट फिर भी किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर जरूर पढ़े। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप 25 में से देखेंगे तो पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आज के टाइम पर थोड़े कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली डिट्टो वैसे ही आ जाते हैं उठ के। बट सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है कि आपको ये नहीं देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखा जाना चाहिए आपको कि कितने क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, कौन से पॉइंट आपके बार बार उसी एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो उन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर पढ़ना मस्ट है। कई लोग बोलते हैं अब वो वाली बात नहीं रही जैसे पहले के टाइम पर हुआ करता था, आज के टाइम पर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये हाँ ये बात ज़रूर है कि थोड़ा बहुत नंबर कम हो गया प्रीवियस ईयर का, बट उससे रिलेटेड तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। हिस्ट्री मैंने आपको बताई दी, मेरी बुक ले लीजिएगा, नहीं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ज्योग्राफी देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है क्योंकि आपका सीजीएल प्री और मेंस आपको लेके चलना है, टाइम कम है तो ओनली मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाएं इसमें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम आपके पास अच्छा है और आप चाहते हैं कि जीके में आप 35+ लेके चले तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। पहले टॉपिक कंप्लीट करने से आपके पासेस हो गए, दर्रे जिनको कहा जाता है, झीलें लेक्स जिनको कहा जाता है, राइट, रिवर सिस्टम तो जरूर पढ़ के जाए, वॉल्केनोज हो गया, इनको पढ़ने के बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्या है। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है डायरेक्टली क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, इसमें नए कोई अलग से क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि एक ही टाइप की ज्योग्राफी हमारी। थोड़ा इंडिया मैप के बारे में आपको बतानी चाहिए कि नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ठीक है। मैंने आपको ज्योग्राफी के ऊपर एक लगभग 2 घंटे की वीडियो दी थी, उसको जरूर देख लीजिएगा, मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कौन से टॉपिक को आपको छूना है, राइट। फिर भी आपके कोई डाउट है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद है जनरल साइंस। देखिए 2015 से पहले की बात अलग हुआ करती थी, उस समय साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, जैसे रेलवेज में पूछा जाता है साइंस, बट आज के टाइम पर इतना नहीं पूछा जाता। और सबसे बड़ी बात किसका डीमेरिट में बात करूँ तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है सिलेबस, जैसे पहला आपका बायो होता है, फिर केमिस्ट्री होता है, फिर फिजिक्स होता है, और इसी बायो में अगर आप बात करें बॉटनी भी जुड़ जाता है, बॉटनी से भी क्वेश्चन आज के टाइम पर पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ओनली प्रीवियस ईयर करिए क्योंकि आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी है। क्वेश्चन कम पूछे आते हैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम पूछे आ रहे हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। अब देखिए 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और इतना बेसिक क्वेश्चन पूछे आते हैं कि आपको बहुत बार बार समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, जनरल साइंस में प्रीवियस ईयर करिए। और टाइम आपके पास ज़्यादा है तो मैं आपको बोलूँगा ल्यूसेंट की बुक आती है, ठीक है। कई लोग कह रहे थे आप इसकी भी ई बुक बना दीजिए, इसके लिए मेरे पास अभी हाल ही में टाइम नहीं है, कोशिश करूँगा इसके ऊपर ई बुक बनाने की जो आपके एग्जामिनेशन से पहले बन जाए। बट मैं बोलूँगा ल्यूसेंट पढ़िए, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगा इसके टॉपिक। एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं, एनसीईआरटी पहले पढ़ा जाता था, आज के टाइम पर नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं आप, और बाकी देखिए 2 सब्जेक्ट हैं, इनको इग्नोर ही करें तो मैं ज़्यादा बोलूँगा आपको। आपको टारगेट रखना है 40, मैं आपको 40 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 40 आ भी जाते हैं, मैंने खुद अपना एग्जांपल दिया आपको, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार आए हैं, बट
मैंने आपको बोला स्मार्ट स्ट्रेटजी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके नहीं बनते, इकोनॉमिक्स के बिल्कुल नहीं आते, कंप्यूटर के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, तो आप बेमतलब इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी है, हार्ड स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना, हार्ड वर्क करना है बट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते तो बहुत इरेलीवेंट होते हैं। जैसे आपके 12th लेवल की पूछे आएगी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा क्या करेगा जिसने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, बेमतलब में और बढ़ेगा, इसके लिए अलग से टाइम देगा। और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, एक, और मैक्सिमम कभी पूछा जाता तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, तो फ़ायदा क्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ऐसे सब्जेक्ट पर टाइम बिल्कुल नहीं देना। कंप्यूटर का भी सेम सिनेरियो, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एमएस वर्ड अगर आपको पता है, कंप्यूटर की शॉर्ट कीज पता है, उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप वो नहीं करा जानते तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं ये बोलूँगा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज रखें, नहीं है तो कोई भी इतनी ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, छोड़ सकते हैं। यह आपका जीके का ओवरऑल समझ में आ गया कि जीके आपको रखनी कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए रीजनिंग के लिए कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग कि कोचिंग लें कि नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कोचिंग बिल्कुल भी ना लें, इसमें भी कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, देखिए आपके 70% आपका जो वेटेज है वो है नंबर सीरीज, नंबर्स पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, दूसरा होता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गई, अल्फाबेट्स को ऊपर नीचे करके अरेंज कर दिया जाता है, इससे रिलेटेड आपके 70% आपका वेटेज रहता है। फिर जैसे बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें फिगर काउंटिंग हो जाता है या पेपर कटिंग हो जाता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इनमें आपको नई चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, आपको ऐसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो आपको ये कंटेंट ईजिली फ्री में दे देंगे, ठीक है। पहली बात तो इसकी ज़रूरत है नहीं। दूसरे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट, पज़ल, रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, पज़ल हो, सॉरी आपका डाइस हो गया, राइट, डायरेक्शन हो गया, ब्लरेशन हो गया, इन सभी के लिए आपको यूट्यूब पे ढेरों आपको आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रीजनिंग के लिए आपको कोई रखने की ज़रूरत है नहीं, कोचिंग रखने की। वैसे अगर आपका पैसा अच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कर सकते हैं, बट इसमें देखिए ज़्यादातर बच्चे 50 में से 45 प्लस जाते हैं, बट कुछ लास्ट समय से अच्छा पेपर का पैटर्न हो गया है CGL और CHSL में, अच्छी रीजनिंग पूछी आती है 2 से 3 क्वेश्चन। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं वो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट को जरूर करके जाइए, इससे क्वेश्चन लगातार आपसे ज़्यादातर पूछे आ रहे हैं CGL और CHSL में। दूसरा आपका हो जाता है सेटिंग अरेंजमेंट, दूसरा पज़ल, इतनी हैवी लेवल की पज़ल नहीं आती बट ऐसी पज़ल है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है इस एग्ज़ाम में, और पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा पूछी जा रही, तो इसको ज़रूर करके चलिए, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी सारे टॉपिक पहले आपको समझ लेने हैं कि सिलेबस में क्या क्या है आपके, उसके लिए आपको अलग अलग से वीडियोस देख लीजिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि मेरे एग्ज़ाम में मेरे को मिरर इमेज से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरी इतनी पकड़ है, नंबर सीरीज़ मैंने पकड़ बना ली है, सब चीज़ कर लिए, फिर उसके बाद आप सेपरेट मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, सेपरेट मॉक टेस्ट लगाइए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसमें आपके इजीली आप अगर आप आज के टाइम पे भी आपकी कोई तैयारी नहीं और आप बैठेंगे भी ना, तो आप इजीली इसमें से 50 में से 40 नंबर लेकर आ सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, राइट। बट हमारा मेन कंसर्न होता है यहाँ पे टाइम टेकन जो होता है, जो टाइम मैनेजमेंट है इसको अच्छा करने के लिए, और उसका एक ही रीज़न होता है, वो होता है आपका मॉक टेस्ट। जितनी मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपको बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, ये स्ट्रेटजी रखिए, प्री मेंस के अकॉर्डिंग ही बताया, रीजनिंग और जीके आपको प्री के हिसाब से रखनी पड़ेगी, जितने अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाएंगे उतना ही आपके प्री में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे, और इसका एक थोड़ा बर्डन हमारे पास कम हो जाता है, वो हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में, हमको ये रहता है कि हम प्री में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके बैठे हुए तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी और ज़्यादा हमको रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि मैंने जो चीज़ बताई है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासकर मैं SSC से रिलेटेड ही वीडियो इसमें देता हूँ चैनल पे। कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ई बुक लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। आज के वीडियो के लिए थैंक यू।